हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सोनू टैग में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप यूट्यूब का लोगो कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आप भी अपना यूट्यूब का लोगो चेंज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहे। तो दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों अभी तक आपने सबसे पहले यूट्यूब को अप टू डेट नहीं किए तो जाकर सबसे पहले अप टू डेट कर लीजिए यूट्यूब को। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको यूट्यूब को ओपन कर लेना है। दोस्तों आपको क्या करना है, यूट्यूब को आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको ओपन कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस नज़र आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक लोगो नज़र आ जाएंगे, यहाँ पर इस पर आपको डायरेक्ट क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस नज़र आ जाएंगे। तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको योर चैनल का ऑप्शन एक और ऑप्शन आ जाएंगे जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही उस पर भी क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस नज़र आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको थ्री डॉट डॉट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाएंगे, हेल्प फीडबैक का ऑप्शन मिल जाएंगे, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको एक पेज ओपन हो जाएंगे, एक पेज ओपन हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सिंपली एक सर्च का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे जिससे पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सिर्फ वाई क्लिक करना है। वाई क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे मैनेजर योर चैनल आइकन का ऑप्शन आ जाएंगे। दोस्तों इसे आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों वाई डायरेक्ट सर्च कीजिएगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा मैनेजर योर चैनल आइकन का। तो आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे इसका गाइडलाइन दिया रहेंगे। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप लोगो चेंज करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएंगे गूगल अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन आ जाएंगे, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको एक ब्राउज़र ओपन हो जाएंगे, आपके मोबाइल में जो ब्राउज़र रहेंगे वो ब्राउज़र यहाँ पर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आप तक अभी तक वो ब्राउज़र में आप लॉगिन नहीं किए हैं तो सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन कर लेने के बाद आपके सामने एक कुछ इस तरह के इंटरफेस नज़र आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एक पेंसिल का ऑप्शन आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो और अदर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपली आपको क्या करना है, ये पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर देना है। सिंपली जैसे ही क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यहां से आप नेम भी चेंज कर सकते हैं, अपना चैनल का नेम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों सिंपली आपको लोगो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको लोगो अपना दिखाई दे रहा होगा, यहां पे आपको एक कैमरा का ऑप्शन आ जाएंगे, कैमरा के ऑप्शन पे डायरेक्ट क्लिक करना होगा। क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों एक अपलोड फोटो का ऑप्शन आ जाएगा, अपलोड फोटो का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे, इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको एक फ़ोटो का ऑप्शन आ जाएंगे, फाइल मैनेजर जिसमें आप वो फोटो रखे रहेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। तो दोस्तों सिंपली आपको क्या करना होगा, फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको सारे फोटो आपके मोबाइल से आ जाएंगे। तो क्या करना होगा दोस्तों, उस फोटो पे आपको डायरेक्ट क्लिक करना होगा और यहाँ से फोटो को आपको चूज कर लेना होगा। जैसे ही आप चूज कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर लोडिंग होने लगेंगे ऑटोमेटिक, यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिक लोडिंग होने लगेंगे। तो कुछ समय लगता है दोस्तों यहाँ पर लोडिंग होने में। लोडिंग हो जाने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस नज़र आ जाएंगे और ऊपर यहाँ डन का ऑप्शन आ जाएंगे। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आप डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको लोडिंग चलेंगे, कुछ प्रोसेस चलेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पर आपका लोगो चेंज हो जाएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों आप यूट्यूब का लोगो बड़ी ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो हमारे अच्छे लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा। दोस्तों इसी तरह से आप YouTube का लोगो चेंज कर सकते हैं।